नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा में जो वाइवा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, कैसे प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं जो आपके वाइवा के क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंटों के मध्य ये सबसे बड़ा हेडक बना रहता है कि एग्जामिनर के सामने हम पहुँचेंगे, एग्जामिनर हमसे कैसे प्रश्न पुटअप कर सकता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब आप एग्जामिनर के सामने खड़े हों तो आप बिल्कुल बेझिझक उनके सामने आपको खड़े होने हैं। दोस्तों, ज़्यादातर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछते हैं जो आपके फाइल में बने होते हैं, लिखे होते हैं और जो चार्ट में होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अमोनिया गैस आप बना के वहाँ पर पहुँचे हैं, तो अमोनिया गैस अगर वो देखता है, अमोनिया वगैरह का फिगर देखेगा, उपकरण देखेगा, तो पूछेगा दोस्तों अमोनिया का सूत्र क्या होता है। अमोनिया का आपको सूत्र बताना है NH3। दोस्तों, अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है, राइट। उसके बाद दोस्तों अमोनिया के यूजेज के बारे में पूछ लेगा, दोस्तों अमोनिया का क्या यूज होता है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम दो उपयोग आपको बताएंगे। सबसे पहला तो अमोनिया का उपयोग नौसादर जैसे यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों, जो नौसादर वाले यौगिक होते हैं, इन यौगिकों के निर्माण में अमोनिया गैस का अच्छा खासा उपयोग किया जाता है। अगर दूसरे पर इसके बात करें पॉइंट की, दोस्तों अमोनिया गैस का उपयोग अश्रु गैस के गोले बनाए जाते हैं। कैसे गोले बनाए दोस्तों, अश्रु गैस के गोले बनाए जाते हैं अमोनिया गैस का उपयोग। तीसरा दोस्तों, अमोनिया गैस का उपयोग कहां पर किया जाता है। दोस्तों, तीसरा अगर आपसे पूछा जाता है अमोनिया गैस में आप बता सकते हैं, तो दोस्तों अमोनिया गैस का उपयोग उर्वरक जैसे चीज़ों के निर्माण में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न वाइवा में रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।